मैंने जब देखा कि सिद्धू वापस गए पिछली बारी 3 महीने पहले जब ये आए थे तो इनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि तनकीद क्यों हुई। एक इंसान एक दोस्ती और प्यार का पैगाम लेके आया है, वो कौन सा जुर्म कर रहा है? और वो आज उन मालिक के बीच में वो दोस्ती की बात कर रहा है जो दोनों मुल्क न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, हमारे पास दोनों के पास एटमी हथियार हैं। तो जंग तो हो ही नहीं सकती। दो मुल्क जिनके पास एटमी हथियार हो वो तो पागलपन है जंग का सोचना। वो तो बेवकूफ इंसान है जो कभी सोचेगा भी कि एटमी जंग कोई जीत सकता है, वो तो सब हार जाएंगे। तो जब जंग नहीं करनी तो दूसरा रास्ता दोस्ती के अलावा क्या है? तो कौन सा जुर्म किया था सिद्धू ने यहां के? और माशाल्लाह सिद्धू, मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने कल से देख रहा हूं यहां, आप बिशा किधर आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप या पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे और पंजाब में खास तौर पे। और मैं आखिर में यह भी कहना चाहता हूं कि जो मैंने दो किस्म के पॉलिटिशियन बताए थे ना, एक होता है जो चांस लेता है, जो बड़ी ख्वाब देखता है, दूसरा है वो डर डर के अपना वोट बैंक देखता है, दूसरा नफरतें फैला के वोट लेता है, और एक इंसानों को जोड़ के वोट लेता है। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि ये ना हो कि हमें सिद्धू की इंतजार करनी पड़े कि जब वो वजीर आजम बनेगा तब दोस्ती होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान। मैं उम्मीद रखता हूं कि वहां ऐसी लीडरशिप आ जाए कि पहली उनमें ये ताकत हो। देखिए, लीडरशिप को ताकत चाहिए, एक इरादा चाहिए। और मैं इंसान की तारीख आप उठा के देख लें, जब इरादा कर लेती है लीडरशिप, कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। और हम इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आगे हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप होंगे, मुझे ये लगता है।